एक मिनट से भी कम समय में आप अपने YouTube वीडियोस में ऑटोमेटिकली सबटाइटल्स ऐड कर सकते हो। अगर आप अपनी वीडियोस को किसी भी फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश में ऐड करते हो और आपकी वीडियो को बाहर देश से वॉच किया जाता है, चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या फिर यूएसए हो, और जो चैनल पे पैसे बनते हैं एडसेंस से कमाई होती है, तो मान लीजिए कि अगर आपकी वीडियो को इंडिया में कोई देखता है तो एक व्यू पे एक रुपए मिलता है, और अगर वही सेम वीडियो यूएसए में कोई देखता है और उस पे सेम नंबर ऑफ व्यूज आते हैं तो आपको एक व्यू के 5 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया में जो 1 रुपए मिलता है वही अगर फॉरेन में कोई वीडियो है तो 5 रुपए आपको मिलेंगे, क्योंकि फॉरेन में कॉस्टली एड्स चलते हैं और उसका बजट भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप अपने YouTube वीडियोस में किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज में अपने सबटाइटल्स को ऐड करते हो तो उससे आपका बहुत फायदा होगा। व्यूज के साथ साथ ऑडियंस रिटेंशन भी मिलेगा और साथ ही डॉलर में बहुत ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। तो चलिए सबटाइटल्स को ऐड करते हैं। वीडियोस में ऑटोमेटिकली सबटाइटल्स ऐड करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको लिखना है YouTube स्टूडियो, और आपको YouTube स्टूडियो पे चले जाना है। जैसे आप YouTube स्टूडियो लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो आएगा उसको आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम लोड होगा और यहाँ पे आपका जो है YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा। और जिस भी वीडियो में आपको ऑटोमेटिकली सबटाइटल्स ऐड करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कंटेंट्स पे चले जाना है, और कंटेंट में आने के बाद आपको जिस भी वीडियो का ऑटो कैप्शन ऐड करना है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पेंसिल आइकॉन पे आप क्लिक कर लें, और उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो डिटेल्स ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना, नीचे स्क्रॉल करना, और आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट से सबटाइटल्स यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपके में भी क्लिक हो रहा है तो इसको आपको क्लिक नहीं करना है। अगर गलती से क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पर मैनुअली ऐड करने के लिए पूछेगा, तो हमको मैनुअली नहीं चाहिए, हमको ऑटोमेटिक चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं आप सबटाइटल्स लेफ्ट साइड में है, तो आपको इसको क्लिक कर लेना है, और इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ऐसा दिखेगा सेलेक्ट लैंग्वेज। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, फिर से हम डिटेल्स में जाएंगे पेंसिल आइकॉन पे, और नीचे थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, और यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन। मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, कैप्शन सर्टिफिकेशन और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो हमको इसको क्या करना है, यहाँ पे एरो मार्क क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना है, जिस भी लैंग्वेज में आपने इस वीडियो में बात किया है। तो इस वीडियो में मैंने हिंदी में बात किया, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू और जो भी गुजराती, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको उसको सेलेक्ट कर लेते। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे 200 से भी ज्यादा लैंग्वेज है दोस्तों। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका लैंग्वेज यहाँ पे रहेगा कि नहीं, हर लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपने बात किया उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद दोस्तों कैप्शन सर्टिफिकेशन इसको आपको नन पे ही रहने देना है, कुछ और सेलेक्ट नहीं करना आपको यहाँ। और सिर्फ अगर आप यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका में रहते हो तब आपको इसमें से कुछ सेलेक्ट करना पड़ सकता है, अगर आप अमेरिका में नहीं रहते हो तो आपको इसको नन रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, इसको आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेव बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ समय लोड होगा, और यहाँ पे आपको दिखाएगा यहाँ पे लैंग्वेज चेंजेस सेव्ड, तो यहाँ पे चेंजेस सेव्ड हो गए। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे देख सकते हैं सबटाइटल्स जो लेफ्ट साइड में है इसको हमको क्लिक करना है, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट पेज ओपन हो गया। मतलब पहले कुछ और दिखा रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हिंदी ऑटोमेटिक कैप्शन पब्लिश दिखा रहा है, लेकिन हमको डिफरेंट लैंग्वेज में ऐड करना है, अभी इंग्लिश में या फिर किसी और लैंग्वेज में हमको ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे ऐड लैंग्वेज करते हैं और यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे 200 से भी ज्यादा लैंग्वेज है दोस्तों, तो आप अगर यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो माइनस वाला ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तभी आपको यहाँ पे पेंसिल आइकॉन मिलेगा। तो आपको माउस फोन में कर रहे हैं या फिर लैपटॉप में कर रहे हैं तो आपको माउस या फिर उंगली यहाँ पे लेके जाना है, तभी आपको पेंसिल आइकॉन दिखेगा। उसके बाद आपको इस पे क्लिक कर लेना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, टाइप मैनुअली ऑप्शन आ रहा है, और ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अपलोड फाइल यानी कि हम बाहर से अपलोड करें कोई फाइल को, या फिर टाइप मैनुअली, हम मैनुअली इसको टाइप करें पूरा कीबोर्ड में, पूरा वीडियो का जो सबटाइटल उसको टाइप करें, लेकिन हमको ये दोनों नहीं करना है, हमको क्या करना है ऑटो ट्रांसलेट, लेकिन वो ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। तो उसके लिए क्या करें, हम इसको हम क्लोज कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करने से ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो मैं आपको दूसरे लैंग्वेज भी सेलेक्ट करके दिखा देता हूं। जैसे कि मैं यहां पे अरेबिक सेलेक्ट कर लेता हूं, या फिर कोई भी यहां पे अरेबिक सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहां पे भी अगर मैं पेंसिल आइकॉन पे जाऊं तो यहां पे भी आप देख सकते हैं यहां पे ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब कोई भी लैंग्वेज को क्लिक करो तो आपको यहां पे वही सेम ऑप्शन
ऑप्शन दिखाया गया। यहाँ पे भी हिंदी में भी जाऊँ तो ऑलरेडी हिंदी तो पब्लिश हो गया, लेकिन हिंदी में जाऊँ तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट नहीं आ रहा है। ऑटो ट्रांसलेट को एनेबल करने के लिए हमको एक छोटा सा ट्रिक लगाना है, लेकिन ट्रिक जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो उसको भी ऑन कर दीजिए। और उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैप्शन जो है उसको हमको उसके ऊपर आना पड़ेगा। आप चाहे जो भी वीडियो हो, आपको सबसे पहले जो भी ऑटोमेटिक कैप्शन रहेगा, आप जिस भी लैंग्वेज को आपने सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक कैप्शन पे आना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंसिल आइकॉन, तो यहाँ पे लिए देख सकते हैं डुप्लीकेट एंड एडिट करके लिखा हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट हो चुका है। आप चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर एडिट नहीं करना है तो आप सीधे से यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में जो है ऑटोमेटिक कैप्शन जो है यहाँ पे पब्लिश हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिश दिखा रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पब्लिश हो गया। अब हमको करना है, अब हमको यहाँ पे इंग्लिश में जाना है, पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम यहाँ पे चाहे तो एडिट कर सकते हैं, उसके बाद हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, और पब्लिश पे क्लिक करते ही हमारा जो है इंग्लिश में भी सबटाइटल्स ऐड हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी लैंग्वेज में अपने ऑटो कैप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको फ्री में कॉपीराइट फ्री स्टॉक फुटेजेस, वीडियो, साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक ये सब चाहिए तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देखें। और अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं और उसके सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को जानना चाहते हैं कैसे करना है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें, मैं आपको वही मिलूंगा।